कैलिफोर्निया की समाजी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी आरिफ उल हक आरिफ ने पाकिस्तान और इंडिया के मारूफ शौरा मंजर भोपाली और खालिद मसूद खान के एजाज में अपनी रिहाइश गाह पर इस्तकबालिया दिया। शौरा ने अपने कलाम सुनाए तो शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। सीनियर सहाफ़ी आरिफ उल हक आरिफ की रियासत कैलिफोर्निया के दारुलहुकूमत सैक्रामेंटो में रिहाइश गाह पर मुनक्किदा इस्तकबालिये में इकना रिलीफ की दावत पर आए हुए नामवर भारतीय शायर मंजर भोपाली और पाकिस्तानी शायर खालिद मसूद अनवर समेत शहर की मुमताज कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेज़बान आरिफ उल हक आरिफ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हर जगह ये पहुँचती है और इसको फेडरल गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है, NGOs में शामिल है, टॉप NGOs में शामिल है और इसको अभी COVID-19 में $1 मिलियन की इमदाद ग्रांट भी उन्होंने दी थी। मेहमान शुआरा में खालिद मसूद ने अपने मखसूस अंदाज की शायरी और गुफ्तगू से महफिल को गुले गुलजार बना दिया, जबकि इंडिया से आए हुए शायर मंजर भोपाली ने अपना कलाम और आवाज से महफिल लूट ली। गाँव गाँव जख्मी फजाए हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। वो वापडा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर, तो उसके चानण में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी, और ये अलमिया है कि उसको मिलने में जब कभी लुक लुका के पहुंचा तो उसकी दादी दमे की मारी हमेशा ही उस वक्त खंगी। महफिल देखते ही देखते मुशायरे में तब्दील हो गई, जहां सैक्रामेंटो के शुअरा जिया जफीर और नईम सईद ने भी अपना कलाम पेश किया। और वाह में छुपा इसका मुकाम है, आखिर शब भेद ये खुला के जिंदगी, आखिर शब भेद ये खुला के जिंदगी, मंजिल नहीं राह की तंगी और राहत करना। चीरो पानी की बगावत ना खुदा से क्या गिला, आग साहिल पे लगी और किश्तियाँ जलने लगी, आग साहिल पे लगी और किश्तियाँ जलने लगी। तकरीब के शुरका ने मेज़बान आरिफ उल हक आरिफ से खूबसूरत महफिल सजाने और इसमें मदऊ करने पर इजहार तशक्कुर किया।